अच्छा बच्चों, अभी शुरू कर रहे हैं। 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8। अब बना रहे हैं उसकी बैलेंस शीट। 11 रेगुलर फर्स्ट क्या रकम देगा। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस, द अकाउंट बैलेंस ऑफ एमएस एके एंड सन्स ऑन जून 30, 2010। कैश इन हैंड 35,000, फर्नीचर 40। इस तरह डेटा के हमें करंट एसेट देख के लिखते चले जाना। MS Aiken Sons balance sheet as on June 30, 2010। एसेट लिखे, करंट एसेट लिखे, पहला क्या आएगा? अब लाइन से देख के लिखते हैं। कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट है कितना है? 35,000, ये लिख देंगे। फर्नीचर नहीं आएगा, कैश एट बैंक आएगा 45। दोनों लिख दिया, कैश इन हैंड 35, कैश एट बैंक 45, दोनों लिखे। उसके बाद क्या आएगा? कैपिटल नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, मशीनरी नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, अकाउंट रिसीवेबल आएगा 30,000। ठीक है, रिसीवेबल लिखा 30, लेस करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स। कितना है बैड डेट्स भाई? बैड डेट्स आपके पास 6,000, ये लिखा हुआ बैड डेट्स। कितना है? 6,000 आपका बैड डेट्स। तो अकाउंट रिसीवेबल में से हमेशा बैड डेट्स माइनस होता है। तो 30,000 के रिसीवेबल में से बैड डेट्स माइनस करा, कितना बचा? 24,000। अच्छा, एक होता है बैड डेट एक्सपेंस, एक होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो याद रखिए, अगर दोनों गिवन हो तो मैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस करना होगा। सही है, 24 आ गया। उसके बाद क्या है? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग नहीं आती, एंडिंग। एंडिंग कितनी? 87,000। 87,000 की मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग हमने यहाँ लिख। और कोई करंट एसेट्स नहीं है, हमने सारे करंट एसेट चारों को प्लस किया, कितना बना? 191,000। अब आते हैं फिक्स एसेट्स पे। कौन कौन से हैं भाई? देखो पहले फर्नीचर 140,000, देखा फर्नीचर 140,000, इसमें से लेस होता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो भाई कितना अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन? ये लिखा है डायरेक्ट 23,000, ये लेस हो जाएगा। 140 माइनस 23 कितना आ जाएगा? 1,17,000। ये आ गया फर्नीचर की वैल्यू लिखी हमने। फिर आता है नेक्स्ट मशीनरी। कितने की मशीनरी लिखी हुई है? देखें, 2,20,000 की मशीनरी। मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है? 35,000, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस 220 माइनस 35। तो 220 की आपने मशीनरी लिखी, लेस करेंगे 35,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कितना आ जाएगा? 1,85,000। अब दो फिक्स एसेट्स हैं, दोनों को प्लस करेंगे। 1,17,000 प्लस 185, कितना आ गया? 3,02,000 आपका फिक्स एसेट्स आ गया। 191 प्लस 3,02,000 कितना आ जाएगा? 493 आपका टोटल एसेट्स आ गया। अब आते हैं इक्विटी साइड पे। पहले लिखेंगे लाइबिलिटीज। तो भाई लाइबिलिटीज में सिर्फ एक ही चीज मिली और वो था अकाउंट पेबल। कितना है भी अकाउंट पेबल? ये लिखा अकाउंट पेबल 42,000। और कोई सवाल में लाइबिलिटी नहीं, ये एज इट इज लिख दी लाइबिलिटी 42,000, ये होगी टोटल लाइबिलिटी। फिर आते हैं ऑनर्स इक्विटी। पहले लिखेंगे कैपिटल। कितना है कैपिटल भाई? ये लिखा 428 का कैपिटल। लिखा 428 का कैपिटल, इसमें नेट इनकम ऐड होती है, नेट लॉस लेस, और ड्राइंग लेस होती है। वे सवाल में नेट इनकम कहाँ है भाई? ये लिखी भी नेट इनकम 23,000 नेट प्रॉफिट के नाम से, इसे हम ऐड करेंगे।
और अगर ड्राइंग होती तो क्या हो जाती, लेस हो जाती। सवाल में ड्राइंग नहीं है, इन्हीं दोनों को ऐड करा 451 आया, इसमें 42 प्लस करा 293 आया। याद रखिए टोटल एसेट्स तो टोटल इक्विटी दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है बच्चों।